हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज ओमकार सिंह। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश। गाइस, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सफल वही होते हैं जो क्रमबद्ध तरीके से मेहनत करते हैं, तमाम परेशानियों का सामना करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। वही लोग जीवन में सफल होते हैं। परिस्थितियां बहुत आती हैं, लेकिन परिस्थितियों से हमें मुख नहीं मोड़ना है, पीठ नहीं दिखाना है परिस्थितियों के लिए। हमें उनका डटकर सामना करना है और अपने डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक अवश्य पहुंचना है। जो हमारा टारगेट है उसे हमें पाकर रहना है, ये अपने अंदर में विश्वास जगाना। तो गाइस, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत जो कंपेरिजन ऑफ डिग्री हमारा सीरीज चल रहा है, उसमें जे पार्ट, इंटरचेंज ऑफ कंपेरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री का डिस्कशन करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन सब्सक्राइब का दबा दीजिए और साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे बनने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और गाइस फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए, उनको भी इसका लाभ उठाने दीजिए। गंगा बह रही है, सबको डुबकी लगाने दीजिए। तो लेट्स बिगिन टूडेज इम्पॉर्टेंट ग्रेट सेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इन विच वी डिस्कस इंटरचेंज ऑफ कंपेरेटिव डिग्री इंटू पॉजिटिव डिग्री। व्हेन मोस्ट अदर इज गिवेन आफ्टर देन, मतलब जब देन के पश्चात मोस्ट अदर दिया जाए, तब हम रूल्स का डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर वन हमारा होगा, जब देन के पश्चात मोस्ट अदर दिया जाए और हमें वह कंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में बदलना हो, तब क्या करेंगे। करेंगे सबसे पहले वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे हम। रूल नंबर टू होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान आपस में बदल देंगे और साथ ही हम सहायक क्रिया का प्रयोग न्यू सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। दूसरा ई आर या मोर को हटा देंगे, देन मोस्ट अदर को हटा देंगे, उसके स्थान पर एज डैश एज का प्रयोग करेंगे। कंपेरेटिव एडजेक्टिव के प्लेस पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। पुनः एक बार सुन लीजिए, सबसे पहले वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान हटा देंगे, ई आर डैश मोर मोस्ट अदर का, ई आर ओब्लिक मोर डैश देन मोस्ट अदर को हटा देंगे और इसके स्थान पर एज डैश एज का प्रयोग करेंगे। कंपेरेटिव एडजेक्टिव के स्थान पर पॉजिटिव एडजेक्टिव अर्थात रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का यूज हम करेंगे। आइए देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला के आधार पर हम पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, तो फॉर्मूला दिमाग में रखिए। वेरी फ्यू सबसे पहले हम रखेंगे, फिर न्यू सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, एज लगाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, उसके बाद एज, फिर न्यू ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ब्स। ये हमारा फॉर्मूला है। एग्जाम्पल हमने लिया है, वीरबल वाज वाइजर देन मोस्ट अदर मिनिस्टर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। देखिए पहचान, देखिए देन के पश्चात क्या दिया जाए, मोस्ट अदर, तो देन दिया है और देन के पश्चात क्या दिया है, मोस्ट अदर। ये हमारी पहचान है, तभी इस फॉर्मूला का या इन रूल्स का फॉलो करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वेरी फ्यू। ओके, वेरी फ्यू ले लिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे, तो सब्जेक्ट यहां पर बीरबल है और ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है मिनिस्टर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। ये पूरा फ्रेज हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वेरी फ्यू मिनिस्टर्स ऑफ
अकबर्स कोर्ट। ओके अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब न्यू सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। अब न्यू सब्जेक्ट होगा मिनिस्टर्स, ये है मेन सब्जेक्ट, मेन वर्ड यही है, हेड वर्ड आपका। तो मिनिस्टर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट, अर्थात ये बहुत से लोग हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारा, यहाँ सिंगुलर था इसलिए बाद लगाया था। अब इसके अनुसार वेरी फ्यू के आधार पर प्लूरल होने के नाते क्या लगाएंगे आप, वर लगाएंगे। फिर एज, वर एज, बाइजर का क्या हो जाएगा, बाइज। फिर एज, अब न्यू ऑब्जेक्ट हमारा बीरबल पहुंच जाएगा। फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए वेरी फ्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर्स कोर्ट वर एज वाइज एज बीरबल। दोनों का मीनिंग देख लीजिए, हिंदी रूपांतरण, बीरबल बाज बाइजर अधिक बुद्धिमान था देन मोस्ट अदर अधिकांश मंत्रियों की अपेक्षा, और अकबर कोर्ट अकबर के कोर्ट का मतलब बीरबल अकबर के दरबार में अन्य मंत्रियों की या अधिकांश मंत्रियों की अपेक्षा, सॉरी अधिकांश बोलेंगे यहाँ पर, अधिकांश मंत्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था, या ये कह सकते हैं कि बहुत कम मंत्री अकबर के कोर्ट के जितने बुद्धिमान थे जितना कि बीरबल, मतलब बहुत कम थे। अब दूसरा देखिए, ही वॉज टालर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स ऑफ द टीम, इसका पॉजिटिव बनाइए, बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, ही, सॉरी देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलने से पहले मैं क्या करना है, वेरी फ्यू का प्रयोग करना है, क्या लगाना है, वेरी फ्यू। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर वर्क कर रहा है क्या हो जाएगा, प्लेयर्स ऑफ द टीम, ये पूरा फ्रेज ही लेना होगा आपके लिए, कभी प्लेयर्स मत लेना। अब देखिए वेरी फ्यू आ गया, प्लेयर्स है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ क्या लगा हुआ है, बाज, तो हमें क्या लगाना है, बर, प्लूरल आएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ई आर हट जाएगा, खाली क्या रह जाएगा, एज लगाएंगे, फिर लगाएंगे टाल, एज, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पहुंच जाएगा ही, बस सेंटेंस हमारा बन गया, वेरी फ्यू प्लेयर्स ऑफ द टीम वर एज टाल एज ही। ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं एक एग्जाम्पल जिससे और क्लियर हो जाए, ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूले ही क्लियर कर देता है पहली बात तो, रूल भी डिस्कस कर चुके हैं हम क्या क्या लगना है, क्योंकि पूरे रूल्स लिखाना यहाँ थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबे होंगे और आपको समझना है। ओके तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ममता इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास, इसका हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री। देखिए प्रीवियस वीडियो हमने आई पार्ट किया था तो उसमें पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनवाया था, उसका ठीक अपोजिट रूल इसमें यूज करना, उसे देख लें पहले तो और अच्छा समझ में आएगा। तो पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे बताइए, वेरी फ्यू, गुड, आगे बताइए क्या आएगा, गर्ल्स ऑफ द क्लास, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आपकी भावना क्या है, आप बता रहे हैं साथ साथ। अब इसके आगे क्या लगाएंगे, आर, बिल्कुल सही है, फिर बोलिए, देखिए एज या सो एज का प्रयोग करेंगे, मोर को हटा देंगे, एज ब्यूटीफुल,
रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आएगा, फिर लगाएंगे एज, फिर ममता, तो सेंटेंस बन गया वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ द क्लास आर एज ब्यूटीफुल एज ममता। ये आपके समझ में आ गया होगा। ज्यादा टाइम आपका हम नहीं खर्च करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल ज्यादा देने में कोई बेनिफिट नहीं है, वैसे दो तीन एग्जाम्पल सफिशेंट है समझने वाले के लिए। और कम समझ में आ रहा दोबारा फिर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा वीडियो। पहले एक बार देखिए, फिर कुछ कम हो रहा तुरंत दो बार तो वैसे ही देखा देखना चाहिए आपके लिए। अगर कहीं कमी रह जाती है, दिमाग सोचने में वीकनेस महसूस कर रहा है, दोबारा देख लीजिए। और उसके साथ साथ जब ये सेंटेंस हम दे रहे हैं, इन्हें आप बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और बनाने में दिक्कत हो तो रिपीट करके देख लीजिए। ओके, ये आपको दिए गए सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव में। ओके, हम बोल लिख रहे हैं यहाँ पर, सी इज फैटर देन मोस्ट अदर वीमेन ऑफ द सोसाइटी। दूसरा लिखिए, मयंक वाज रिचर देन मोस्ट अदर मैन ऑफ द विलेज। तीसरा देखिए, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स ऑफ बीजेपी। देखिए तीन सेंटेंस हैं, इन्हें आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, अपने कॉपी पर नोट करना है, नोट डाउन करने बाद उन्हें करेक्ट करिए, चेंज करिए, और फिर इसका रेस्पॉन्स आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स जरूर लिखिए, जिससे ये महसूस होगा हमें कि आप सीख रहे हैं। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।